होली के दिन छिंदवाड़ा में हुई मेघनाथ की पूजा। होली में डैम में नहाने गए 3 युवकों की डूबने से मौत। बत्तीस पेटी 3 लाख रुपए की अवैध शराब देहात पुलिस ने की जब्त। शहर भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। एसपी के साथ पुलिस कर्मियों ने खेली होली। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। होली के दूसरे दिन मोगांव हवेली में रावण के पुत्र मेघनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। अच्छी बारिश और क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना के साथ लोगों ने मढ़ई में रस्सी बांधकर दौड़ लगाई। क्षेत्रीय नागरिकों का ऐसा मानना है कि यदि मेघनाथ की पूजा की जाए तो क्षेत्र में कभी प्राकृतिक आपदा और सूखा नहीं पड़ता है, इसलिए उन्होंने आज मोगांव हवेली में प्रतिवर्ष लगने वाले फागुन मास के होली पूर्णिमा के दूसरे दिन धुरेड़ी के अवसर पर मेघनाथ मेला गल यात्रा की। होली के त्योहार के दिन दोस्तों के साथ डैम में नहाने गए 3 युवकों की डूबकर मौत हो गई। इससे त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जमुनिया के पास 6 दोस्तों की टोली 2 बाइक में सवार होकर ग्राम देवर्धा के हनुमान मंदिर के पीछे गोगरा नाले में नहाने गए थे। वहीं 3 युवक नहाते वक्त पानी में डूब गए। इनकी पहचान राहुल चरपे, पिता जयराम चरपे, उम्र 10 वर्ष, निवासी कुंडाली, आकाश पिता रवि, उम्र 21, निवासी सोनपुर, सागर निवासी गांधीगंज के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकालकर मामला विवेचना में लिया है। एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देश पर देहात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 32 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिनकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। होली के दिन पुलिस की इस कार्रवाई में शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि अवैध शराब का जखीरा एसआर कॉलोनी के मकान नंबर 49 में मिला है, जहां पर होली में शराब मस्ती करने के लिए अवैध रूप से शराब का भंडारण किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी अयान पिता आरिफ खान उम्र 22 निवासी शंकर नगर और पंकज चौरे पिता नारायण चौरे उम्र 22 निवासी उभे गांव थाना चांद निवासी को पकड़कर मामला पूछताछ में लिया है। होली का त्यौहार शुक्रवार को जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों से लेकर बूढ़ों ने जमकर होली खेली। रंग गुलाल लगाकर छोटे बच्चों ने अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। होली के दूसरे दिन एसपी विवेक अग्रवाल के साथ पुलिसकर्मियों की टीम ने जमकर होली खेली। इस अवसर पर पुलिस कंट्रोल रूम में सभी अधिकारी और पुलिसकर्मी पहुंचे, जिन्होंने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। अच्छा सा लोकगीत एसपी साहब के सामने प्रस्तुत करें। आपका सवेरे से बहुत अच्छा माहौल आपने बना रखा है। निदेशी एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने एमपीपीएससी मेंस में पाई सफलता। यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग, तो आज ही ज्वाइन करें निदेशी एकेडमी इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ
चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड पांडे नर्सिंग होम के सामने छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। कोतवाली थाने में TI सुमेर सिंह जगेत और उनकी टीम ने आज जमकर होली खेली। इस अवसर पर सभी पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं प्रेषित की। होटल देव इंटरनेशनल में शगुन एग्जीबिशन के द्वारा इस बार गर्मियों में समर एग्जीबिशन लगाया जा रहा है, जिसमें फैशन, ज्वेलरी और आर्ट सभी का एग्जीबिशन होगा। कम कीमत में बहुत अच्छी सामग्री महिलाओं को उपलब्ध होगी। इस कैंप का आयोजन 26 और 27 मार्च को होटल देव में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जबलपुर एक्सप्रेस और EMS TV दोनों ही मीडिया पार्टनर हैं। चौरई समसवाड़ा के पास शनिवार को चौरई नायब तहसीलदार की गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस सड़क हादसे में चौरई नायब तहसीलदार गीता रहन डाले और उनके ड्राइवर को गंभीर रूप से चोट आई है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुगम मानस मंडल के द्वारा होली के दिन स्थानीय दशहरा मैदान में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के जाने माने कवियों ने शिरकत की। अपने घर की सारी सुख सुविधा को त्यागा करते हैं, रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं। इनके कारण ही उन्नत के सुदृढ़ होती डाली है, इनके लोहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है। इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए, दम है छिंदवाड़ा वालों के हाथों में जरा दिखाइए और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्लड़ को मस्ती से, तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News App डाउनलोड करें।